बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। राशिद हिजाजी थिंक टैंक के साथ। नाज़रीन, मामला इस वक्त हम देख रहे हैं कि कुछ सियासी महाजराई जो कि अदारे के साथ ही, अदारा का सीधी सीधी बात कर लेते हैं, फ़ौज के साथ ही, और मामला गंभीर होते जा रहे थे, उलझे जा रहे थे। बराह रास्त फ़ौज सियासतदानों की ज़ुबान का निशाना थी, और फ़ौज जो थी वो भी अपने ज़ाहिर पॉलिसी के मुताबिक जो उन्होंने कराना होता है वो भी साथ साथ चल रहा था। ISP की वजाहतें भी साथ आती थी। एक तनाव का माहौल था, और एक मामला आ गया वो जो कराची का IG सिंध का मसला बन गया, तो डायरेक्ट निशाना बन गया जी कि फ़ौज ने, एजेंसियों ने उनको अगवा कर लिया है। तो उसकी बड़ी एक तरह की घनघरेज थी, और जो मुल्क की सियासी पार्टियां, मुस्लिम नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बल्कि पूरी PDM ही इस इशू को लेकर उठ खड़ी हुई। आर्मी चीफ ने फिर उस वक्त मुदाखलत की, और मुदाखलत ये नहीं थी कोई नेगेटिव थी, एक मुनसफाना अमल का उन्होंने इजहार किया। उन्होंने कहा इसकी इंक्वायरी करवा लेते हैं, तो एक फौजी कमीशन बना, उसकी इंक्वायरी कमेटी बनी, इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी पे रिपोर्ट आ गई है, और रिपोर्ट आने के बाद आर्मी चीफ ने, जो वहाँ जिम्मेदार थे ISI के और उसके रेंजर्स के, वो जो लोग थे, उनको उन्होंने उहदों से हटा दिया, और GHQ नेक्स्ट उसका फैसला करेगा। अब इस फैसले को अमूमी तौर पर सराहा जा रहा है, लेकिन मियां नवाज शरीफ की तरफ से इसकी मुखालफत आई है, मुस्तरद कर दी गई इस फैसले को। बिलावल भुट्टो ने इस फैसले पर बरसात किया है, तो अब क्या सूरत हाल बनेगी? क्या कोई जो ये तनाव था फ़ौज और सियासतदानों का, इसमें कुछ ठहराव आएगा, कुछ कमी आएगी, कुछ इतदाल की राह चलेगी, जैसे कि बिलावल भुट्टो ने इसको मान लिया, और PDM के अंदर वो जो एक शिद्दत का बयानिया था उस पर की रोकथाम होएगी? अगरचे नवाज शरीफ ने मुस्तरद किया है, तो क्या नवाज शरीफ का साथ दिया जाएगा, या बिलावल भुट्टो के जो बयानिया है उसको फकीयत दी जाएगी? इस पर आज हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ इलेक्शन हो रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में, तो वहाँ क्या सूरत हाल है? कुछ तजिए हो रहे हैं, तबसरे हो रहे हैं, सर्वे रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं, तो क्या इम्कान हैं इस इंतखाबात के हवाले से? इस पर आज हम बात करेंगे। और आज बात करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं बड़े ही मोहतरम शख्सियत हैं, PTI से इनका ताल्लुक है, PTI पंजाब के सेक्रेटरी इतलात हैं, जनाब इंजीनियर इफ्तखार चौधरी साहब, वेलकम टू माई शो। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं बड़े सीनियर और दबंग तजियाकार जनाब चौधरी खादम अली मारला साहब, वेलकम टू माय शो। जी वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी। मानला साहब, पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्शन की, कि गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, बस चंद दिनों के बाद है, 15 नवंबर को, और वहां पर तमाम जो मेजर सियासी पार्टियां हैं, जिसमें हुक्मरान पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और जो वहाँ के मौजूदा हुक्मरान थे, मतलब इससे पहले जो थे वो मुस्लिम लीग नून, और उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, GB के बाकायदा हुक्मरान रहे हैं उनका, लेकिन PTI पहली दफ़ा वहाँ पर इस इंतखाबी मरहले में शरीक है। मतवक्को की जा सकती है कि इन तीनों में से कोई आएगा, बल्कि जो पहले दो इम्कान हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI के, लेकिन हतमी तजिया आपका होगा, आपका हम जानेंगे। तो क्या कहते हैं चौधरी खादम अली मानला साहब GB के जो ये सूरत हाल है इंतखाबी? बाज़ लोग तो इसे इंतखाबी दंगल कह रहे हैं, चूँकि बड़ी जो कदावर शख्सियात हैं वहाँ पर, बिलावल भुट्टो की एक मुसलसल कम्पेन है, और मरीम नवाजी मौजूद हैं PTI की तरफ से, इमरान खान अगरचे इंतखाबी जलसे में नहीं गए, लेकिन वहाँ जाकर उन्होंने जो ऐलान किया है वहाँ उसको अबूरी तौर पर सुबह बनाने का, उस पर भी एक तहरुक पैदा हुआ, और फिर दो बुजुर्ग गए हैं, उन पर उनकी जो शोला बयानी है वो भी मौजूद बहस बनी रही। तो आज आप किस नजर, किस तरह का वो देख रहे हैं इस GB के इलेक्शन को, इलेक्शन कम्पेन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया हजारी साहब। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन, जिसकी कम्पेन भरपूर तरीके से जो है ना, वो तीनों जमातें वहाँ चला रही हैं, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो सबसे पहले वहाँ गिलगित में गए, और मसलसल अपनी भरपूर कम्पेन उन्होंने जारी की, और इतने शिद्दत से उन्होंने कम्पेन की कि दूसरी जमातों को उन्होंने मजबूर कर दिया कि यहाँ आकर कम्पेन करें, अनथक मेहनत के साथ, भरपूर जलसे देखने में, सुनने में, स्पीचेज, वादे,
हर चीज़ जो है ना वो उन्होंने भरपूर तरीके से की। उसके बाद मरियम नवाज़ वो भी वहाँ पहुँची, उन्होंने भी खूब जो है ना कंपेन चलाई। यहाँ तरीके इंसाफ के गंडापुर साहब और बुराद शहीद साहब पहुँचे, वो भी जलसों की जो खबरें हैं वो आ रही हैं। बलावल का जहाँ तक कंपेन का तल्लक है उसने कोई कसर नहीं छोड़ी और अवाम जलसों में देखने भी बहुत आई। लेकिन बात जलसों या उसकी कंपेन की नहीं है, बात उनकी जो माजी की हुकूमतें हैं जिन्होंने मुल्क को तबाह किया। लोग समझदार हैं, वो हर चीज़ को समझते हैं। और दूसरी जो बात पीपल पार्टी के लिए अहम, जो अक्सर मैं दोस्तों को कहता हूँ कि पीपल पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में या पंजाब में इतनी कंपेन की ज़रूरत ही ना पड़ती अगरचे ये सिंध में काम करते, क्योंकि कोई भी ऐसा गांव पंजाब का नहीं, कश्मीर का नहीं, गिलगित बल्तिस्तान का नहीं जिस गांव का या हर घर का बंदा रोज़गार के लिए कराची में काम के लिए नहीं पहुंचा होता। तो वो जो कराची काम के लिए गए होते हैं वो असल में सफारत का काम करते हैं, अपने अपने इलाकों के लिए, अपने अपने गांवों के लिए और अपने अपने घरों के लिए। वो तमाम करतूत जो वहाँ हुकूमतों के देखते हैं वो अपने गाँव देहातों में आके बताते हैं कि सिंध में डेवलपमेंट की क्या सूरत हाल है, फिर सिंध में जो लॉ एंड आर्डर है उसकी सूरत हाल क्या है। और हाल ही में आपने देखा कि उनके जो रिकॉर्ड आ रहे हैं करप्शन के, जाली अकाउंट, फलूदा अकाउंट, फलाना अकाउंट, लाचू से पैसे बाहर जा रहे हैं, कोई तहखानों से मिल रहे हैं, को मालियों के जो है ना अरबों के अकाउंट निकल रहे हैं। तो मुझे बताओ कि ये मीडिया का दौर है, ये उस दौर में दुनिया नहीं रह रही कि वहाँ जो है ना जलसों से काम चल जाएगा, वादे दहीद से काम चल जाएगा, काम नहीं चलेगा। मैं ये समझता हूँ कि कंपेन ने अपनी जगह, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं वो इंतहाई समझदार पढ़े लिखे लोग हैं और वो समझते हैं कि अगर जे हमने डेवलपमेंट करानी है तो वफाक में चूँकि तरीके इंसाफ की हुकूमत है और फंडिंग जितनी भी रिलीज होती है वो वफाक की तरफ से होती है। तो मेरा ख्याल है वो इतने भी जो है ना वो बेवकूफ़ नहीं है कि वो अपनी डेवलपमेंट को एक साइड पे रखें, अपने जितने भी उनको शेड्यूल या प्रोग्राम दे रही है तरीके इंसाफ के उधर उधरा जाकर दे रहे हैं, वो तमाम चीज़ों को तरक करके इन लोगों के पीछे आकर लग जाएं जिनका माजी जो है ना वो स्याह तारीख की तरह है। और जहाँ तक मरियम नवाज का तल्लक है तो मेरा भी गैलब का सर्वे जो आया है तो सर्वे में बाकायदा उन्होंने बता दिया कि जो पॉपुलरिटी है वो PTI की 27% है और पीपल पार्टी की 24% है और नून लीग जो है वो 14% पे आके खड़ी है। उसकी वजह ये है कि जो बयानियाँ वहाँ बाहर से मफरूर आज़म दे रहे हैं उस बयानिए को कोई भी बंदा वहाँ बर्दाश्त नहीं कर रहा। जो इनके कैंडिडेट थे वो भी सारे पार्टी छोड़कर PTI को ज्वाइन कर चुके। जी इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी साहब, चूँकि आपकी पार्टी मतवक्को तौर पर जैसा कि तजिया किया है चौधरी खादम अली माल्ला साहब ने और सर्वे भी जो आया है गैलप का उसमें भी वो बढ़तरी जाहिर हो रही है GB के इलेक्शन में, तो इसके साथ साथ जो माल्ला साहब ने एक नुकता उठाया वही उठाया है कि वहाँ पर लोग वफाकी हुकूमत से अपने तरक्याती मनसूबों की मतवक्को फंडिंग के पेश नज़र भी वफाकी हुकूमत चूँकि PTI की है तो PTI को वोट देंगे चूँकि इलाके की तामीर व तरक्की वो चाहते हैं। और साहब का रिकॉर्ड भी यही है कि पीपल्स पार्टी के दौर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी, नवाज शरीफ के दौर में उनकी नवाज शरीफ की पार्टी की हुकूमत बनी, अब इमरान खान की पार्टी आपकी पार्टी की हुकूमत है, तो उसी ये कैफियत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं चौधरी खादम अली माल्ला साहब, उसी तसर को, चूँकि वफाक में PTI की हुकूमत है तो इस वजह से मिलेगी। तो इसका मतलब ये कि वफाकी हुकूमत असरअंदाज होती है वहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले शुक्रिया रॉयल न्यूज़, शुक्रिया राशिद अमीन अजाजी साहब, खादम अली मांडला साहब के साथ बैठ के हम बड़े अहम मौजू पर बात कर रहे हैं। मैं असल में शायद वो पहला जो पॉइंट मांडला साहब की तरफ आपने उठाया था मैं एक दो बातें करके फिर इसका जोड़ लेता हूँ। ज़रूर देखिए, ये जो कराची में वाकया हुआ उस वाकये के बाद इस पर भी हमने बात करनी,
अच्छा चलिए, इस पे तो हम बात नहीं, चलिए हमने हमने सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान जी ठीक करेंगे जी ठीक है। मैं गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से एक बात कहूँ कि अब सिर्फ वफाक की हुकूमत होना ये जाहिर नहीं करता इस इन हालात में कि वहाँ उनकी हुकूमत हो जिनकी वफाक पे हो, क्योंकि लोग बाशऊर हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, 90+ 90% एजुकेशन रेशियो है वहाँ पे हमजा और इस एरिया में। मैं दो दफ़ा गया हूँ, पिछली दफ़ा भी गया हूँ, वहाँ पे परफॉर्मेंस बेस्ड वोट मिलेगा हमें, और बैड परफॉर्मेंस के नतीजे में जो एक्सपेक्टेशन हमसे की जा रही हैं उस हवाले से हमें वोट मिलेगा कि जैसे ही आप नारान से निकलते हैं, बाबू सर से नीचे जाएं, चलास रोड से आगे हमजा की तरफ आप बढ़ते हैं, तो आप यकीन कीजिए कि बारिशों के मौसम में तो वो रोड कई कई दिन बंद रहते हैं, उन बेचारों की ज़िंदगी एक महसूर सी होकर रहती है। और दोनों पार्टियों की हुकूमत रही है, पिछला 5 साल जो था वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, वहाँ पर हफीज़ुर रहमान थे उनके वज़ीर आला, उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, मेहदी शाह, ठीक है मेहदी शाह, और ये लोग नहीं परफॉर्म कर पाए। अगर ये परफॉर्म कर पाते तो कम से कम उनकी ज़िंदगी के जो मैं समझता हूँ कि दिन इतने स्याह गुजरे हैं जो 5 साल एक और 5 साल पीछे, वो उनको जहन में रखते हुए पाकिस्तान तरीके इंसाफ को वोट देंगे। हमें इंशाल्लाह अज़ीज़ गैलप सर्वे से भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ज़्यादा मिलेंगे। कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत बेहतर हो रही हैं, मसलन हमें सबसे बड़ा नुकसान वहाँ पे हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जाफर शाह साहब को इतनी उम्र नहीं दी, वो इलेक्शन से पहले ही 2 महीने पहले इस दुनिया से चले गए, जो कि बड़ा एक बड़ा वर्कर और बड़ा लीडर किस्म का शख्स था। अब जो कमी थोड़ी सी जो रह गई थी, मैं समझता हूँ कि 2 दिन में जुल्फी बुखारी के जाने के बाद वहाँ आप वहाँ की डेमोग्राफी को आप देखें, वहाँ के लोगों के ज़ाहर है अपनी मुसलमान तो सब हैं लेकिन एक फिकही असर भी बहुत बड़ा वहाँ पे इफ़ेक्ट करता है। तो जुल्फी बुखारी के जाने से मैं ये समझता हूँ, और दूसरी तरफ से मजलिस वहदत मुस्लिमीन के साथ हमारा इत्तेहाद भी है, तो वहाँ जो अक्सरियत है आगा खानी हैं, शिया बरादरी के लोग हैं, जो ये जो अहले सुन्नत वाल जमात के जो एरियाज हैं इस पर ज़रूर मैं बात करना चाहूँगा क्योंकि मैं डीपली इन्वॉल्व हूँ उस वहाँ के लोग। उम्मीद है कि हमारी जो सियासत है ये फिकी और फिरका बुनियादों पर हमने मामलात को देखें, नहीं नहीं जायज़ की अपनी होता नहीं, जो आपने बात की होता नहीं है, होता नहीं, परफॉर्मेंस की बात की है राशिद भाई, मसाइल की बात की है, मेरा ख्याल है हम इसी फिरका वारियत की बात को आज के प्रोग्राम से मौकूफ करें। नहीं नहीं मैं थोड़ा सा आपको जरा बताना चाहता हूँ, चले ये भी अगर आप इस समझ से देखते हैं, आप जैसी जो दानिश्वर शख्सियत है, मैं वहाँ के सियासी मतदाजों को देखिए, ठीक है वो सारे फैक्टर चलते हैं, ये फैक्टर है, हम इसको अपनी मेरे ख्याल मौजूद बहस ना बनाए, छोड़ देते हैं, मैं छोड़ देता हूँ। इसमें जो हमारी एक जो सबसे बड़ी बात इन्होंने की, अपना मॉडल साहब ने, जिसकी मैं गुफ्तगू करना बहुत जरूरी समझूंगा, कि बिलावल भुट्टो जरदारी के जलसे, देखिए ये जो इलेक्शन हैं 5 साल बाद वहाँ के लोगों को पाकिस्तान की जो बड़ी क़यादत है उनको देखने का मौका मिलता है, ये लोग जाते अच्छा, हैं पढ़े लिखे लोग। देंगे आप बिलावल भुट्टो को कि वो उधर गया तो बाकी, वरना इस लेवल की कैंपेन जैसे एक मांडला साहब ने कहा है कि मतवक्को नहीं थी जिस सरगर्मी के साथ लीडरशिप वहाँ पर इन्वॉल्व हुई है, कोई भी पार्टी जो है ना, और जिस तवातर के साथ और तसलसल के साथ बिलावल भुट्टो ने वहाँ कैंपेन की है उसके असरात जाहिर है, जहां पीपल्स पार्टी के हाथ में जाएंगे, मजबूरी सियासी शोर भी काफी। बिलावल भुट्टो को ये करना पड़ेगा क्योंकि बिलावल भुट्टो की पार्टी वहां पे बड़ी पुअर परफॉर्मेंस दे चुकी है, मरियम नवाज ने भी वहां पे बड़े कोशिश की है और बड़े तकड़े जलसे किए उसने, लेकिन उनको ये पता था कि हमने इन लोगों के साथ नाइंसाफियां की, हमें तो ये पता है कि वो लोग हमारी परफॉर्मेंस देख रहे हैं पंजाब में वफाक में, जिस जिस जगह हमारी हुकूमत है वो परफॉर्मेंस देख रहे हैं, उनको पता है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत वफाक में इस वक्त कर रही है इमरान खान की क़यादत में, इसने पाकिस्तान को एक बेहतरी के रास्ते पर चलाया है। और हमारे जलसे तो आपको पता है हमारी क़यादत जो ये सेकंड लेयर की क़यादत है वहाँ पर मुराद सईद और अली अमीन गंडापुर वहाँ पर गए हैं,
अब सैफुल्ला नियाज़ी भी वहाँ पे मौजूद हैं और ज़ुल्फ़िकार हुसैन बुखारी जुल्फी की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये तो उस लेवल के लीडर नहीं है जिस लेवल के लीडर बिलावल है जी। मानला साहब, आप इस, तो ये इस तरह सोच को किस तरह देखते हैं कि ये इनका कहना है इंजीनियर साहब का कि वहाँ पर जो असरात हैं पंजाब में पीटीआई की जो परफॉर्मेंस या वफाक में जो पीटीआई की परफॉर्मेंस है उसके हवाले से वोट मिलेंगे, तो आप क्या कोई काबिल जिक्र समझते परफॉर्मेंस जिसको एक मिसाली तौर पर पेश किया जा सके कि जिससे बड़े इत्मीनान हो कि बज़ाहिर तो यहाँ पंजाब में या केपीके में जहाँ भी हुकूमत है वफाकी सतह पर कोई इत्मीनान की इतनी अच्छी फजा बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही है। देखिए लोगों को जिस तरह मसाइल में उलझे हुए हैं, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, जो वादे किए थे इमरान खान साहब ने वो अमल पजीर नहीं हुए हैं, तो इस तरह तो एक तिशनगी सी यहाँ पर। देखिये कौन सी परफॉर्मेंस पेश करेंगे वहाँ पर कि वहाँ जो दो जमातें हैं वो तो हुकूमत कर चुकी है, पीटीआई ने वहाँ हुकूमत नहीं की, दोनों जमातें पाँच पाँच साल अपना टनोर वहाँ कर चुकी हैं पूरा। अभी पीटीआई की हुकूमत फर्स्ट टाइम वफाक में आई और अभी उनको मौका सही तरीके से मिला कि वहाँ जाकर कंपेन करें, और वहाँ अगर इन्होंने कुछ लेना है तो वो जो कारकर्दगी इनकी ढाई साल यहाँ पंजाब में और वफाक में वो लोग देख रहे हैं, जो अपनी रियासत के साथ वाबस्तगी और दूसरी पार्टियों की जिस तरीके से भी बड़ा अहम इशू था कि पिछले दिनों एक मीटिंग भी हुई, फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वहाँ भी गए, वहाँ जाकर उन्होंने बड़ा वाज़े ऐलान कर दिया कि हम इंशाल्लाह ताला, इरादा तो यही था कि इलेक्शन के पहले जो है ना ये सूबा जो है ना वो आइनी अबूरी सूबा जो है ना उसको बना दिया जाए, जिसके ऊपर कमेटी भी हुई, लेकिन दूसरी जमातों ने ये बात कही कि ये काम हम करेंगे इलेक्शन के बाद, लेकिन इमरान खान की पूरी कोशिश थी और अभी जाकर ऐलान भी किया, तो मेरा ख्याल है कि इस ऐलान से भी उनको बड़ा असर पड़ेगा इस इलेक्शन के ऊपर, के क्योंकि ये अगर दूसरी पार्टियां जो है ना हुकूमत कर चुकी थी, ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ऐलान कर चुकी है, ऐलान नहीं अमल नहीं कराया ना, बात तो ऐलान की है ना, बात तो अमल की है, ये ऐलान पे ऐलान हुआ है ना, उनकी वफाक में भी हुकूमत थी, ऐलान पे ऐलान हुआ, और जहां तक ऐलान की बात है मांडला साहब आपको आप याद दिला दो, आपको याद होगा कि जो आम इंतखाबात थे इसने पीटीआई ने जनूबी पंजाब के सूबे का भी ऐलान किया था, लेकिन जब इनको इख्तदार इख्तियार मिला तो वो सूबे का मामला पसे पुस चला गया, वो सेक्रेटरीट तक महदूद हो गया। तो ऐलानात की अगर बात करते हैं तो पीपल्स पार्टी का पहले ऐलान मौजूद है, उस पर अमल नहीं हुआ जनूबी पंजाब के हवाले से, पीटीआई का ऐलान मौजूद है। चलो इसी बात को हम ले लेते हैं, अजय साहब देखे ये ऐलान पीपल पार्टी ने किया लेकिन वो सेक्रेटरीट तक भी ना बना सकी, इन्होंने शुरुआत तो कर दी नहीं, उन्होंने ये जो वजीर आला बनाया किया उसी ऐलान के तहत किया था, जो सिस्टम वहां पर शुरू हुआ था वजीर आला का जो मेहदी शाह बना था उसी ऐलान के तहत ही बना था, जो गवर्नर बना था उसी ऐलान के तहत ही बना था, और पूरी काम तो उन्होंने शुरू कर दिया था पहले, बात 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 तंजीमी दाचा है, मैं परफॉर्मेंस मेरा सवाल नहीं है, बुरी जो है उसको मेरा वो तो आएगा, मेरा सवाल ये था कि परफॉर्मेंस कौन सी आप समझते हैं वफाक में या पंजाब में बड़ी मिसाली परफॉर्मेंस है इमरान खान की, जिसकी बुनियाद पर जीबी वाले उन्हें बड़े वालिहाना अंदाज से वेलकम करेंगे और वोट। देखो जी मैं सबसे वो परफॉर्मेंस मुझे बता, पहला नुकता तो आपका आ गया कि वफाक की वजह से फंड लेने की वजह से उनकी एक सोच होगी, ये एक फैक्टर है नो डाउट, देखो जो और इसी वजह से हर वफाक की हुक्मरान जीतती है, जिस बात को वो सबसे अहम या तरजीह देंगे वो सबसे पहला नुकता है कि वो सियासी मकामात की जो डेवलपमेंट है वो उस आवाज के ऊपर जाएंगे, क्योंकि इमरान खान ने आते ही केपीके के अंदर जो सियाहत के ऊपर काम किया बेशुमार काम किया है, और मेरा ख्याल है वो एक सियाती इलाका है, खूबसूरत इलाका है, अगर उसके ऊपर मेहनत की जाती है तो मेरा ख्याल है जो विजनरी बंदे का काम है तो पीटीआई की हुकूमत केपीके में भी ये काम कर रही है और वहाँ भी करेगी, लोगों को वहाँ रोजगार भी मिलेगा, वहाँ उसकी आमदन भी होगी और उसी आमदन से तरक्याती काम भी होगा। इस जो पहला वक्फा होने वाला है, लेकिन इस बात को मैं वाइंड अप करने के लिए इंजीनियर साहब से कहूँगा कि इंजीनियर साहब आपने जो परफॉर्मेंस का जिक्र आपने किया है और जाहिर है कि आपको करना भी चाहिए, आप उस पार्टी के सेक्रेटरी इतलात हैं, तो मेरे ख्याल आप ज़्यादा बेहतर बना सकेंगे कि परफॉर्मेंस का वो कौन सा आपके पास एक वो है एग्जाम्पल नमूना जिसकी वजह से उन्हें कशिश पैदा होगी कि देखें पंजाब में और वफाक में कमाल इन्होंने कर दिया तो यहाँ भी करेंगे परफॉर्मेंस के हवाले से। देखिए जी मैं मुझे तो बड़ा फ़ख्र है
कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में जो पहली दफ़ा हुकूमत बनाई, बल्कि हम तो KPK में आपको पता है 5 साल पहले भी लगा चुके हैं, और KPK का एक इंडेक्स आपके मैं सामने रख दूँ कि पहले 5 सालों में अभी जो, पंजाब, जो अभी पंजाब की वफाक पंजाब चले जिसका असरात फौरी तौर पर देखो, मैं पंजाब की जहाँ तक मैं बात पंजाब और वफाक पंजाब और वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो काबिल कदर इकदाम उठाए हैं जो आपके सामने, गवर्नर्स के लिहाज से ये कब्जा ग्रुप माफिया पुलिस गर्दी और ये दहशत गर्द पुलिस गर्दी कम हुई है, खत्म नहीं हुई, बहुत कम हुई है, मुझे इतना पता है। चले अगर इसी बात पे आप जाएंगे तो फिर अल्लाह हाफिज। नहीं नहीं, अगर ये अगर आपके लिए, अगर आपके लिए मैं आ रहा है, देखिए दूसरी बात है, मैं पुलिस गर्दी नहीं, आपने जो बात की है पुलिस गर्दी की बात की है, तो अगर इस नुक्ते की बात कर, जी जी, आपने पंजाब में कभी देखा कि जनूबी पंजाब के एक बहुत बड़ा एरिया है, उसके फंड जो है पहले फिक्स होते थे और फिर निकाल के दूसरी जगहों पे लग जाते थे, अब 33% जितने भी फंड फिक्स्ड हैं वो आपके जनूबी पंजाब में लग रहे हैं। आपकी पर कैपिटा इनकम जो है वो पंजाब के ऊपर जो लग रही थी एक्सपेंशन, वो जो खर्च हो रहा था उसका और जनूबी पंजाब का बहुत बड़ा फर्क, मतलब इन दादो शुमार से, इन दादो शुमार का असर पड़ेगा जो आपने बताया है, और पुलिस गर्दी का वक्फे, वक्फे का टाइम हो गया है, वक्फा लेते हैं, वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद दोबारा आते हैं, ठीक है, ब्रेक।